गुड गवर्नेंस प्रोग्राम बारस मू अगर यह कल यह कत कर गैर जरूरी तौर कर शबीर अहमद लंगू कर ना लक्स नफर सर गैर जरूरी तौर कड़न हाँ बाकी सब हम भाई है कान तकलीफ वात हम सबों की इज्जत कर। आज आपने यहाँ पे देखा एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर का यहाँ पे इजलास हो रहा था। बेसिकली आपको पता है कि मुलाजमीन मसाइल के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन मसाइल को हल कराने के लिए मार्ज वजूद में आई है। कई दहाइयों से हम रियासत या आज यूटी का ये जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के मसाइलों के लिए मुलाजमीन मसाइल उबालने और मसाइल हल कराने के लिए हम जद्दोजहद करते आए हैं। चूँकि आज जो हमारा इजलास यहाँ पर यह था कि हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने जो मुलाजमीन का जीपी फंड है उस बारे में सरकार से अपील की थी कि जीपी फंड वक्त पे निकलना चाहिए या जो हमारे मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं उनके जितने भी मुराद है वो उन्हें जल्द अज जल्द दिए जाए। लेकिन 2021 से हमारा जीपी फंड पहले जैसे तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं। हम इस हवाले से हमने पिछली बार सरकार के हमारे जो ट्रेजरीज और अकाउंट्स के अकाउंटेंट जनरल हैं उनसे मीटिंग की थी तो उनने कहा कि 10-15 दिन में हम आपके इस जायज़ मसले को हल करेंगे। आज मैं यहाँ से एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव की मीटिंग में अपने ऑनरेबल LG साहब से और वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, ये जो जीपी फंड का पैसा है असल में ये मुलाजमीन का अपना ज़ाती पैसा होता है। हम सरकार के पास ये अमानत रखते हैं तो सरकार को चाहिए जिस तरह हमें पहले मिलता था उसी तरह अब भी ऐसे ही निकलना चाहिए। आज महीनों लगते हैं मुलाजमीन को अपना जीपी फंड निकालने में, मुलाजिम को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मुलाजमीन परेशान हाल है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम है, जीपी फंड इसीलिए रखते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमें काम आए। तो एक बार फिर मैं सरकार से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारा मामला है इसे जल्द अज जल्द हल किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे ये रिटायर एम्प्लॉयज़ है उनके जितने भी मुराद सरकार के पास है वो अपनी 30-40-35 साल सरकार को देते हैं या आवाम की खदमत में, तो आखिर में जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है वो भी दर बदर की ठोकरें खाते हैं तो ये इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता। तो आज जहां सरकार के ये है कि सरकार हर चीज़ में बहुत आगे जा रही है तो मुझे लगता है कि ये जो जीपी फंड का मसला है या जो रिटायर मुलाजमीन का मसला है सरकार को अवलिन फुर्सत में इसको हल करना चाहिए। बनाया है गुड गवर्नेंस के लिए हम लिखने जा रहे हैं एक खत अपने ऑनरेबल जो हमारे LG साहब हैं उनको लिखेंगे कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के बारे में, जो आजकल गुड गवर्नेंस हो रही है, शफाफियत हो रही है, हम इसको मज़ीद निखारने के लिए क्या क्या करना है उस पर काम करेंगे। तो आप बहुत जल्द देखोगे एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी गुड गवर्नेंस पर काम करेगी। आज जहाँ हम ट्रेड यूनियन में सिर्फ मुलाजमीन के मसाइल को उबारते हैं वहाँ हम ये भी दिखाएंगे कि गुड गवर्नेंस क्या है, किस तरह से ईमानदारी से काम शफाफियत से हो रहा है, किस तरह आज लोग मुलाजमीन के काम से खुश है। तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि एक मजबूत ट्रेड यूनियन होगी जो सिर्फ और सिर्फ इसमें इस पर अपना ध्यान देगी कि लोगों की खदमत हमारा अवलिन फ़र्ज़ है, उसके बाद जो हमारे मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी वसारी रहेगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी ट्रेड यूनियन लीडरान से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़ाती इख्तलाफात को छोड़ के एक मुनज़्ज़म और मुतहद तंजीम का हिस्सा बने, उसमें सब लोग इकट्ठे होकर हम मुलाजमीन की खदमत कर सकें और जम्मू कश्मीर की तरक्की को हम आगे ले जाएँ। बाकी आज की मीटिंग का यही मुद्दा और मकसद था।